नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। लाइन्स क्लब के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फूड फॉर ऑल के तहत आज लाइन्स क्लब ऑफ सिलीगुड़ी गिवर्स के सदस्यों ने पंजाबी पाड़ा स्थित वसुदेव कुटुंब में 300 से भी अधिक जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम वो करते रहेंगे। लाइन्स क्लब ऑफ सिलीगुड़ी गिवर्स सामाजिक कार्य में हरदम अग्रसर रहते हैं। लॉकडाउन के पहले दिन सख्त अभियान चला रही है पुलिस। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने 7 दिनों के लिए किया लॉकडाउन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिलीगुड़ी के सभी 47 वार्डों में गुरुवार से अगले 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कल राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव की मौजूदगी में कोरोना को लेकर गठित टास्क फोर्स की मीटिंग में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सिलीगुड़ी शहर को अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। आज सुबह 9 बजे से पूरे शहर में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही पुलिस सक्रियता के साथ लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान में जुट गई। सुबह से पुलिस की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में यातायात नियंत्रित करने के साथ ही लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान में जुट गई। शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों में पुलिस का अभियान जारी है। शहर के हसमी चौक, सेवक रोड, विधान रोड सभी स्थानों में पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चला रही है। बता दें कि सिलीगुड़ी में पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 30 से 40 के बीच कोरोना का नया मामला सामने आ रहा है। वहीं कल यह संख्या 79 दर्ज की गई। डीएम, कमिश्नर ऑफ पुलिस एवं टास्क फोर्स के समस्त मेंबररा एसेछिले। आज के हमारे थर्डवेयर डिस्कशन हो गवर्नमेंट गाइडलाइन जेटा एसेछे सेटाकेओ माना होच्छे आगामीकाल सकाल 9 থেকে নেক্সট 7 ডেজ 47 ওয়ার্ড, তার মধ্যে জলপাইগুড়ি যেটা পোর্শন আছে 14 ওয়ার্ড, সেটা আমরা জলপাইগুড়ির ডিএমকে বলবো। জলপাইগুড়ি ডিএম সাহেব যেটা মেসেজ পাঠিয়েছেন, যেহেতু কর্পোরেশন একটাই, সুতরাং এখানকার কর্পোরেশন যা করবে জলপাইগুড়ি কর্পোরেশনও একই করবে। ক্রমাগতভাবে আনলক পিরিয়ডে এই কোভিড পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে এবং শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় অনেকগুলো আমাদের গভর্নমেন্ট হসপিটাল, সেফ হোম এগুলো করা হয়েছে, আমরা কম্ব্যাট করছে গভর্নমেন্ট খুব এফেক্টিভলি। তা সত্ত্বেও এই যে বাড়ছে এই চেনটাকে ব্রেক করার জন্য আগামী 7 দিন সকাল 9 থেকে আগামী 7 দিন এন্টার 47 ওয়ার্ডস এটা টোটাল লকডাউনের মধ্যে যাবে। টোটাল লকডাউনের মধ্যে যাবে। যে মডালিটিসে এর আগে লকডাউন হয়েছিল, এসেনশিয়াল কমোডিটিস আর কিছু বিষয়গুলো যেগুলোকে ছাড় দেওয়া হবে সেটা নোটিফিকেশনের মধ্যে থাকবে, বাকি সমস্ত জায়গাতেই লকডাউন হবে। এবং এই 7 দিন লকডাউন সমস্ত শিলিগুড়ি সিটিজেন তাদের থেকে একটা ডিমান্ডও এসেছিলো, বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ এটা চাইছিলেন, কিন্তু সমস্ত পর্যায়ে যাতে এই লকডাউন প্রক্রিয়াটাকে খুব ভালোভাবে মানা হয় তার জন্য আমরা অনুরোধ করব। জলপাইগুড়ির 14 জায়গা তো ডিএম জলপাইগুড়ির সাথে দার্জিলিংয়ের ডিএম কথা বলবেন, অলরেডি কথা হয়েছে, টোটাল 47 ওয়ার্ডে হবে। আর শিলিগুড়ির সংলগ্ন মাটিগাড়াতে জায়গাগুলোতে কিছু কিছু জায়গায় সংক্রমণ বাড়ছে, সেই জায়গাগুলোতে কন্টেনমেন্ট জোন এবং চম্পাশালি বাজার, শালবাড়ি এদিকে পোর্শানে সভাধিপতি ছিলেন, তার সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং টাস্ক ফোর্সের মেম্বাররা আলোচনা করেছে আরও 2-4 জায়গায় কন্টেনমেন্ট জোন এক্সটেন্ড করে আগামীকাল বিকেল 5 থেকে এক্সটেন্ড করা যায় কিনা সেটা ডিএম সাহেব কথা বলে।
एक किलो ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार। मातीगढ़ा थाने के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर एक किलो ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मातीगढ़ा थाना अंतर्गत विश्वास कॉलोनी की निवासी बताई जा रही है। डीसीपी वेस्ट राजकुमार भूषण सिंह ने बुधवार शाम मातीगढ़ा थाने में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला आज करीब एक किलो ब्राउन शुगर के साथ बस से मालदा से सिलीगुड़ी आ रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर एसीपी वेस्ट चिन्मय मित्तल एवं माटीगढ़ा थाने के ओसी सुवल घोष के नेतृत्व में पुलिस अभियान चलाकर शुभ मंदिर इलाके में उसे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब एक किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को आरोपी महिला को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। आज के ब्रीफिंग मेन उद्देश्य ওখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 কেজি অফ ব্রাউন সুগার সিজ হয়েছে, তো ওটাই ডিটেলস আমি আপনাকে দেব। তো যেটা ইনসিডেন্ট ছিল, আমার কাছে একটু ইনফরমেশন ছিল কি একটা লোক আছে, ওনার নাম যেটা ওনার নাম পুষ্পা আছে, পতিয়ার নাম ওনার আছে বিলাল, ওনার বাড়ি মাটিগাড়াতে আছে। তো ওটা মালদা থেকে এখানে আসেন এটা ইনফরমেশন ছিল ওনার কাছে, ব্রাউন সুগার আছে এটা ইনফরমেশন আমার কাছে ছিল। তারপরে আমি আমার এসিপি সাহেব আছেন চিন্ময় মিত্তল, আমি ওনাকে বললাম কি ভালো করে দুটা টিম রেডি করে দাও, ওনাকে ইন্টারসেপ্ট করতে হবে। তারপরে এসিপি চিন্ময় মিত্তল এবং আমার ওসি মাটিগাড়া যেটা সুবল আছে দুটা টিম টিম প্রিপেয়ার করলেন। ওখানে আমার পুলিশের লোক ছিল, ওখানে সাব ইন্সপেক্টর বাসুদেব ছিলেন, এএসআই বিনোদ ছিলেন, অন্য যেটা পুলিশের লোক ছিল ওটা টিম রেডি করলো। তারপরে আফটার গেটিং দ্য ইনফরমেশন সি ওয়াজ ইন্টারসেপ্টেড, দ্যাট লেডি পুষ্পা ওয়াজ ইন্টারসেপ্টেড অ্যারাউন্ড শিব মন্দির ইন মাটিগাড়া পিএস। তো প্রপার ওনার সার্চ হলো, আফটার সার্চ যেটা পাওয়া গেছে অ্যাপ্রক্সিমেট 1 কেজি অফ ব্রাউন সুগার ওনার কাছে ওনার পজিশনতে ছিল। 1 কেজি এটা আছে অ্যান্ড টোটাল যেটা অ্যাপ্রক্সিমেট কস্ট আছে অ্যারাউন্ড 50 লাখস কে আসপাস ইসকা টোটাল ভ্যালু হ্যায়। आज फिर से बना कोरोना वायरस का देश में नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में सामने आए सर्वाधिक 32,695 नए मामले, 606 लोगों की हुई मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 32,695 मामले सामने आए और 606 लोगों की मौतें हुई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,68,876 हो गई है, जिनमें से 3,31,146 सक्रिय मामले हैं। 6,12,815 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 15 जुलाई तक कोरोना के लिए 1,27,39,490 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 3,26,826 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटे में किया गया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1.34 करोड़ के पार। अमेरिका में 24 घंटे में सामने आए 62,000 नए मामले। विश्व में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार तक दुनिया में कोरोना वायरस के चलते अब तक 1.34 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 5.82 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। इस बीच अमेरिका में एक दिन के भीतर 62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। अमेरिका में पिछले करीब 10 दिनों से लगातार हर दिन 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा, अरिजोना और टेक्सास ही नहीं, ओक्लाहोमा, नेवाडा आदि राज्यों में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन राज्यों में पिछले 14 दिनों के भीतर मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। यदि पूरी दुनिया पर नजर डाले तो अब तक ठीक होने वालों की संख्या 78.8 लाख से कुछ ज्यादा ही है। इस बीच कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिका से सटी सीमा पर लगाई पाबंदियां 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। देश के 3 राज्यों में आया भूकंप। हिमाचल, गुजरात और असम में महसूस किए गए झटके। देश में गुरुवार को एक के बाद एक 3 राज्यों में भूकंप आया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात और असम में भूकंप आया है। हालांकि इससे अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार हिमाचल के ऊना में
स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 4:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल 2.3 पर रही। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार गुजरात के राजकोट में स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7:40 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। वहीं असम के करीमगंज में आज सुबह 7:57 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। वंडरफुल प्लेस ऑफ एजुकेशन इकफाई यूनिवर्सिटी सिक्किम। कमिटेड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, कॉम्प्रिहेंसिव मोड ऑफ लर्निंग, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल प्रोग्राम्स विल गिव यू विंग्स टू योर क्रिएटिव थॉट्स। एंटर विद एस्पिरेशन, गेट एजुकेटेड विद इंस्पिरेशन, acquire a wonderful career with perfection. Iqfai University Sikkim. Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes, which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया के दिग्गजों का अकाउंट हैक कर मांगे बिटकॉइन, ट्विटर पर लोगों को लगा चूना। ट्विटर के लिए बुधवार को रात भयावहक रही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स सहित दुनिया के कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। इसके बाद कई घंटों तक ट्विटर ने ब्लू टिक वाले सभी अकाउंट को बंद कर दिया। अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसे मांगा जा रहा था। हर किसी के अकाउंट में ही ट्वीट किया गया, आप बिटकॉइन के जरिए पैसे भेजिए और हम आपको दोगुना पैसा देंगे। इसके अलावा लिखा गया कि अब वक्त आ गया है कि हमने समाज से जो कमाया है उसे वापस लौटाए। हालांकि इस मुश्किल को फिलहाल दूर कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 का रिकॉर्ड 1579 नए मामले सामने और 20 लोगों की गई जान। संक्रमितों की संख्या पहुंची 34,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को एक बार फिर रिकॉर्ड 1579 नए मामले सामने आए एवं 20 लोगों की मौतें भी हुई। एक दिन में अब तक यह सर्वाधिक नया मामला है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 34,000 को पार कर गई है एवं मरने वालों की संख्या 1,000 हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 34,427 हो गई है, जिनमें से 12,747 एक्टिव केसेस है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 20,680 है। पिछले 24 घंटे में 749 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। रिकवरी रेट घटकर 60.06% हो गई है। कोरोना वायरस को लेकर डराने वाली आशंका, अगले साल मार्च तक 6 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। भारत में कोविड-19 संक्रमण को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान ICIC ने एक अनुमान लगाया है। इसके अनुसार देश में सबसे बेहतर स्थिति में मार्च 2021 तक कुल संक्रमितों की संख्या
37.4 लाख तक पहुंच जाएगी। वहीं सबसे बुरी स्थिति में इस दौरान 6.18 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे। आईसीएसई मॉडल संक्रमण रोग के गणितज्ञ मॉडलिंग में एक प्रतिमान है और यहां देश के कोविड-19 डेटा और इस वर्ष 23 मार्च से 18 जून के बीच सामने आए मामलों पर आधारित है। हालांकि देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमान अलग होने की संभावना भी है। इस मॉडल के सबसे बुरे परिदृश्य प्रक्षेपण में मार्च 2021 के अंत तक भारत में कोविड-19 के चरम पर नहीं पहुंचने की संभावना है। वहीं सबसे बेहतर परिदृश्य में भारत में कोविड-19 सितंबर के दूसरे सप्ताह या अक्टूबर तक चरम पर पहुंच सकता है। कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों के एक सदस्य को नौकरी देगी पश्चिम बंगाल सरकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा, मरणोपरांत सम्मानित भी करेगी सरकार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अगर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान ड्यूटी पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक राज्य सरकार के 12 कर्मचारियों की मौतें हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मृत कर्मचारियों, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को मौत के बाद पदक और प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित भी करेंगी। उत्तर दिनाजपुर के अहमदाबाद के विधायक देवेंद्रनाथ रॉय मौत मामले में मालदा से गिरफ्तार निलय सिंह को आज रायगंज जिला अदालत में पेश किया गया। सीआईडी ने उसको अदालत में पेश करते हुए 14 दिनों के रिमांड पर लेने की मांग की ताकि उससे पूरे मामले की पूछताछ की जा सके। आर्थिक लेनदेन मामले में सोमवार रात को निलय को मालदा से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पुलिस महमूद नामक एक व्यक्ति की तलाश कर रही है जो फरार है। गौरतलब है कि सोमवार सुबह अहमदाबाद इलाके में एक चाय की दुकान के सामने भाजपा विधायक देवेंद्रनाथ रॉय का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। इस घटना के खिलाफ भाजपा ने मंगलवार को पूर्व उत्तर बंगाल में 12 घंटे का बंद भी बुलाया था। पुलिस सूत्र के अनुसार विधायक की जेब से एक नोट बरामद किया गया जिसमे 2 लोगों के नाम उल्लेख किया गया। इसी आधार पर पुलिस व सीआईडी जांच को आगे बढ़ा रही है। बंगाल में माध्यमिक परीक्षा के नतीजे घोषित, 86.34% विद्यार्थी पास। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में 2020 की माध्यमिक परीक्षाओं के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिया गया। इस साल 86.34% विद्यार्थी पास हुए हैं जो पिछले साल की तुलना में कुछ अधिक है। पिछले साल 86.07% विद्यार्थी पास हुए थे। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली ने परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि इस बार कुल 8,43,305 विद्यार्थी सफल हुए हैं। इस वर्ष 10.15 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इस वर्ष भी कोलकाता की तुलना में जिलों ने बाजी मारी है। इस बीच सिलीगुड़ी की रिंकी घटक राज्य में संभावत छठी टॉपर बनी है। सिलीगुड़ी गर्ल्स स्कूल की छात्रा रिंकी घटक 687 अंकों के साथ माध्यमिक परीक्षा में राज्य में संभावत छठे स्थान हासिल की है। वहीं सिलीगुड़ी के 22 नंबर वार्ड के रतखोला के रहने वाली है। उसके इस कामयाबी से उसके परिवार वालों के साथ साथ पूरे शहरवासी गौरवान्वित है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।